हेलो फ्रेंड्स, एसके फैशन डिज़ाइनर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेस बॉर्डर कैसे हम घर में तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल कम खर्चे में कैसे हम लेस जो है घर पर तैयार कर सकते हैं और किसी भी ड्रेस पे, किसी दुपट्टे पे आप इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए, लेस मैंने ली है और एक कॉटन का कपड़ा लिया है और गोटा पट्टी वाली जो लेस होती है वो मैंने एक ली है। तो सबसे पहले हमने जो कॉटन फैब्रिक लिया है उस पर जो गोटा पट्टी है उसको ये देखिए बिल्कुल तिरछा करके हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है, अटैच कर लेना है। आप यहाँ पे चाहो तो स्केल की हेल्प से निशान लगा के फिर इस लेस को अटैच कर सकते हो। ये देखिए, इतना इतना गैप छोड़ के आधा इंच के तकरीबन मैंने गैप छोड़ा है। और अगर आप निशान लगा के लगाना चाहते हो तो आप निशान लगा सकते हो, आधा आधा इंच पे निशान लगा के, और तिरछा करके हमने लेस को अटैच कर लेना है। तो ये लेस बॉर्डर जो है बहुत ही कम पैसे में आपका घर पर रेडी हो जाएगा और कोई भी आप दुपट्टा या अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारी हमारी ये लेस जो है बन के रेडी होगी। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। इसके लिए कपड़ा भी मैंने आधा मीटर के करीब मैंने कपड़ा लिया है। आप कॉटन फैब्रिक या सिल्क फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हो, फैब्रिक आप कोई भी ले सकते हो। अगर आप जैसे वेलवेट फैब्रिक होता है उसके ऊपर भी ये डिज़ाइन जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो ऐसे ही हमने सारा जितना भी हमारा ये फैब्रिक है उसको सारा हमने भर लेना है पूरा। तो तिरछी तिरछी लाइनें पहले हमने लगा ली है, ये देखिए। तो पूरा मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। थोड़ा इसको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन हमारा ये बॉर्डर जो है ना बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसके साथ आप जैसे दुपट्टे के चारों तरफ ये बॉर्डर बना के आप लगा सकते हो, और कोई अपना सूट डिज़ाइन करना चाहते हो तो सूट पे भी आप जैसे गले पे भी पट्टी बना के लगा सकते हो, और बाजू पे, घेरे पे, कहीं पे भी आप ये पट्टी को, लेस को जो है बना सकते हो। और बाज़ार में, मार्केट में जो ये लेस मिलती है ना गोटा पट्टी वाली, काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो घर पे जो आप बनाओगे वो आपके बहुत ही कम खर्चे में जो है रेडी हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने गोटा पट्टी को लगाना है। गोटा पट्टी जो लेस होती है ना ये काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो ये देखिए, पूरा जो फैब्रिक था मैंने भर लिया है गोटा पट्टी से, ये देखिए पूरा मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब लेस लगाने के बाद हमने ना एक बार उल्टा करके इसको प्रेस कर लेनी है। अब आपको बता देती हूँ कितना कपड़ा है मेरे पास। ये 15 इंच इसकी चौड़ाई है, आधा मीटर भी नहीं है, और जो लंबाई है इसकी 26 इंच है, लेकिन चौड़ाई में थोड़ा कम है, आधा मीटर नहीं है। लंबाई में आधा मीटर से ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई में थोड़ा सा कम है ये कपड़ा। तो आप एक मीटर या आधा मीटर ले सकते हो, जितनी भी आपको बॉर्डर चाहिए ना उसी के हिसाब से आप ले सकते हो। अब देखिए हमने क्या करना है, नीचे वाली साइड पहले एक आधा इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी। ये हमने फोल्ड करने के लिए आधा इंच, आप ध्यान से देखिएगा आपको पता चल जाएगा। आगे हमने क्या करना है, ये देखिए सीधी एक लाइन लगा लेनी है, निशान लगा लेंगे सीधा। अब इसके आगे ना मैं एक पट्टी कट कर लूँगी, जो कि पेपर पेस्टिंग के ऊपर पट्टी कट करूँगी, तो मैं एक इंच चौड़ी कट करूँगी। तो अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमने जो है इसके ऊपर फिर पेस्ट करना है, जो पेपर पेस्टिंग होती है। तो एक इंच मैंने ये चौड़ी, देखो पेपर पेस्टिंग जो है कट कर ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक इंच चौड़ी है। अब हमने ये देखो आधा इंच का जो निशान लगाया था ना इसको छोड़ के और ऊपर हमने प्रेस के साथ इसको चिपका लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाती है, और ऊपर वाली साइड भी आधा इंच हमने गैप छोड़ लेना है। दोनों साइड पे आधा आधा इंच छोड़ना है क्योंकि हमने बाद में कपड़े को फोल्ड करना है। और इतना इतना गैप देखो छोड़ के सारी पट्टियाँ जितनी भी हैं मैं सारी चिपका लेती हूँ। तो ये प्रेस के साथ मैंने ये देखिए चिपका ली हैं सारी पट्टियाँ, और बहुत ही आसानी से प्रेस के साथ ये चिपक जाती है। अब सेंटर में से हमने ये देखिए कट कर लेना है, दोनों साइड के लिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ना है आधा आधा इंच का। ये देखिए एक इंच छोड़ के मैंने आगे वाली पट्टी लगा दी ना, तो आधा आधा इंच दोनों पट्टियों के लिए मार्जिन, एक साइड से आधा इंच और एक साइड से दूसरी साइड से भी आधा इंच। तो ऐसे ही पट्टियाँ जितनी मैंने रेडी की हैं सभी को मैं कट कर लूँगी। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा ये लेस जो है बन के तैयार हो जाएगी, और घर पे हम ना बहुत ही आसानी से ऐसी लेस जो है रेडी कर सकते हैं। अब ये देखिए जितना ये एक्स्ट्रा रखा था ना मैंने आधा आधा इंच, प्रेस के साथ इसको
बैठा लूँगी। ये देखो प्रेस के साथ मैंने इसको अच्छे से बिठा लिया है। अब हमने यहाँ पे एक लेस लगानी है, ये देखिए। तो ऐसी लेस मेरे पास पड़ी है, ये मैं इसके ऊपर लगा नीचे लगा दूँगी, साइड पे, दोनों साइड पे। लेस को हमने नीचे रखा है और ऊपर से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगाते जाना है। तो पहले हमने प्रेस के साथ इसको फोल्ड कर लिया था ना, जितना भी मार्जिन था कपड़ा फोल्ड कर लिया था हमने। अब सिलाई जो है हमारी बिल्कुल आसानी से और फिनिशिंग के साथ जो है लग जाएगी। तो ये देखिए एक साइड पे मैंने लेस लगा ली है, ऐसे ही दूसरी साइड पे भी लेस जो है मैं अटैच कर लूँगी और दोनों साइड हम लेस लगा लेंगे। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं डेकोरेट करने के, लेकिन मैं ये जो बना रही हूँ बिल्कुल आपको मैं आसान तरीके से मैंने बताया, हर कोई इसको आसानी से बना भी सकता है। और जैसे आप अपना कोई प्लेन सूट बना रहे हो, कुर्ता बना रहे हो, उस पर आप गले पे भी, जैसे गले पे पट्टी लगाते हैं गले पे भी लगा सकते हो, और कई तरह से आप जो है अपना सूट डिज़ाइन कर सकते हो। दुपट्टा जो है दुपट्टे के चारों तरफ भी आप लगा सकते हो, और लहंगा कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कोई लहंगा चोली बना रहे हो उसका दुपट्टा बना रहे हो, तो कहीं पे भी अगर आप चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हो, तो मैंने 1 इंच चौड़ा बनाया है, आप इससे भी ज़्यादा चौड़ा या कम कर सकते हो। तो ये देखिए 4 पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं, 6 पट्टियाँ निकली थी इस कपड़े में से, तो ये 2 मैं ना बाद में रेडी कर लूँगी, लेकिन ये 4 पट्टियाँ ये देखिए मैंने रेडी कर ली हैं। तो इनको आप कहीं पर भी लगा सकते हो, बाजू पर, घेरे पर। और देखिए कितनी प्यारी हमारी ये लेस जो है बनके रेडी हो गई है। और मार्केट से अगर आप ये लेस लोगे ना, तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। अब देखिए जैसे ये सूट है लाइट कलर का है बिल्कुल, और इसके साथ ये दुपट्टा है ना, ये देखिए फुलकारी का, तो इस पे जो है पाइपिंग लेस जो लगी है, लेस के साथ मैच करके ही मैंने ये देखिए बॉर्डर बनाया है। तो इसके घेरे पर ये देखिए, इसके घेरे पर हम इसको लगा सकते हैं, और बाजू पर, और गले पे लगाना चाहो तो गले पे भी लगा सकते हो। तो देखिए इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है ये। तो ऐसे ही आप अपने सूट को डिज़ाइन कर सकते हो बहुत ही सस्ते में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और किसी डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।